झारखंड के लॉकडाउन को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। झारखंड के अंदर एक बार फिर से आपका लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जी हां, अब आपका झारखंड के अंदर लॉकडाउन एक बार फिर से आपका 24 जून से लागू हो जाएगा, जो कब तक रहेगा, 1 जुलाई तक। जी हां, तो 1 जुलाई तक रहने वाले इस लॉकडाउन की हमारी फुल गाइडलाइंस क्या है और अब की बार किस किस को छूट दी गई है, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस जानकारी को। तो सबसे पहले देखिएगा, आप अधिसूचना देख लीजिएगा जो झारखंड सरकार ने जारी करी है। तो इस अधिसूचना में बताया गया है कि जो हमने 16 जून को गाइडलाइंस जारी करी थी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की, ठीक है, यानी कि 16 जून को जो हमारा पहले लॉकडाउन लगाया गया था, अब उन्हीं गाइडलाइंस को का त्यों आपका 24 जून के सुबह 6 बजे से फिर से लागू कर 1 जुलाई के सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। जी हां, तो अब हमारी वही गाइडलाइंस आपकी लॉकडाउन मतलब आपका 24 जून के सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगा, जो कब तक रहेगा जी, 1 जुलाई के सुबह 6 बजे तक, और पुरानी वाली गाइडलाइंस ही लागू कर दी है ज्यों की त्यों। तो चलिए जानते हैं अब की बार हमारी क्या है गाइडलाइंस। तो देखिएगा, झारखंड के अंदर जितनी भी आपकी दुकानें हैं सभी दुकानें आप जो है शाम के 4 बजे तक खोल सकते हो, ठीक है, सभी दुकानें झारखंड के अंदर आपकी शाम 4 बजे तक आप खोल सकते हो। वहीं देखिएगा, बात करें शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर हमारे खुल सकेंगे। सभी आपके सरकारी और प्राइवेट ऑफिस झारखंड के अंदर 50% स्टाफ के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं बात करें शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। कहने का मतलब यह है कि यह हमारा सप्ताह के एंड में लगने वाला थोड़ा सख्ती के साथ लॉकडाउन रहेगा, शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक, इसलिए इस दौरान हमारी नॉर्मल दुकानें बंद हो जाएंगी, केवल हमारी जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी, जैसे सब्जी फल किराने की दुकानें, दूध की दुकानें, मेडिकल की दुकानें, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट देखिएगा यह है कि जितने भी आपके सिनेमा हॉल हैं, क्लब हैं और आपके बैंक्वेट हॉल हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, ये भी हमारे पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं बात करें स्टेडियम और जिम और आपका स्विमिंग पूल और हमारे पार्क पूरे झारखंड के अंदर हमारे बंद रहेंगे। जितने भी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान हैं हमारे बंद रहेंगे। वहीं बात करें आंगनवाड़ी केंद्र हमारे बंद रहेंगे, लेकिन बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं उनको खाने की जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, वो घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। 5 व्यक्तियों से अधिक को एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे तो देखिएगा ये आम जनता के माध्यम से हम कानून तो सरकार पारित कर देती है, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि सरकार खुद ही नहीं इन पालनों को, मतलब कि लागू करती है इन गाइडलाइंस को। तो ये तो आपको भी पता होगा कि 5 व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा तो बहुत बार हो जाते होंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों गाइडलाइंस में यही लिखा हुआ है कि 5 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति कहीं इकट्ठा ना हो, ठीक है। लेकिन शादी समारोह या अंतिम संस्कार में आप जा रहे हो तो उसमें आपको छूट है। शादियों में अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यही है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके धार्मिक स्थल और श्रद्धालुओं के लिए हमारे बंद रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, मंदिर मस्जिद वगैरह जितने भी हैं हमारे श्रद्धालुओं के लिए हमारे बंद रहेंगे। वहीं बात करें जितने आपके जुलूस हैं, जुलूस पर हमारी रोक रहेगी। जुलूस टाइप मतलब जैसे बारात होती है, बारात भी हमारी जुलूस की तरह ही होती है, ठीक है, तो जुलूस भी हमारे पूरी तरह से, रैली वगैरह बंद रहेंगी। वहीं देखिएगा बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि झारखंड के अंदर जो हमारी बस सेवा है दोस्तों, उस पर जो है अभी आपकी रोक जारी रहेगी, यानी कि अभी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छूट नहीं दी गई है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो जरूरी सामान के लिए अगर आप आवाजाही कर रहे हो, जरूरी सेवा से जुड़े हुए हो, तो आप बस से परिवहन कर सकते हो, आप यात्रा कर सकते हो बस परिवहन से, लेकिन किसी गैर जरूरी चीजों के लिए आप बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी कि डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको छूट दी जाएगी। तो चलिए अगला पॉइंट यह है कि राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं हमारी स्थगित रहेंगी, यानी कि पोस्टपोन, बाद में होंगी। वहीं बात करें झारखंड के अंदर मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। जितने भी आपके देखिएगा पर्सनल वाहन हैं, यानी कि जितने भी खुद की लोगों के पास गाड़ियां हैं, अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड में आने के लिए, ठीक है, अगर आप दूसरे राज्य से झारखंड में आ रहे हो या झारखंड से आप दूसरे राज्य में जा रहे हो, आपको इसके लिए ई पास की आवश्यकता होगी, ठीक है जी। देखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो रोक है, यानी कि जो आपकी सरकारी बसें हैं उन पे तो रोक है, लेकिन आपकी अगर खुद की कोई गाड़ी है तो उस पे आपको छूट दी गई है, लेकिन आपको उस पे ई पास की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप आवाजाही कर रहे हो, ठीक है, एक जिले से दूसरे जिले में या झारखंड से बाहर या झारखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है।
वहीं देखिएगा यहाँ पर यह भी पॉइंट बता दिया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले लोगों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। इसके कहने का मतलब यही है कि झारखंड के अंदर देखिएगा जो भी व्यक्ति झारखंड के अंदर आएंगे उनको 7 दिनों के लिए होम आइसोलेशन क्वारंटाइन वार्ड में रखा जाएगा। वो उन लोगों को नहीं रखा जाएगा जैसे कि हमारे सरकारी अधिकारी आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं भाई सरकारी अधिकारी, उनसे तो मतलब कि हमारी राज्य सरकार पूछेगी भी नहीं, तो उनके लिए नहीं है, ठीक है, क्वारंटाइन फैसिलिटी आम जनता के लिए, कहने का मतलब दोस्तों ये है, ठीक है। और देखिएगा खुले में आप घूम रहे हो तो सरकार का मानना यह है कि आप सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के रखें और आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत FIR दर्ज कर दी जाएगी और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उक्त आदेश जो है 1 सप्ताह के लिए प्रभावी रहेंगे। यानी कि यह भी जितनी भी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है ये आपकी 1 सप्ताह के लिए लागू रहेंगी, मतलब 1 जुलाई के सुबह 6 बजे तक हमारी यह गाइडलाइंस लागू रहेंगी। तो देख सकते हो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के साइन हुए हुए हैं और 23 जून की हमारी ये मतलब की नोटिफिकेशन है जो आपका लॉकडाउन अब 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक लागू रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारे अंदर ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन नहीं आता है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।